हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज हम आए हैं नेहरू पार्क। देख सकते हैं हम लोग इस समय हैं नेहरू पार्क में और आपको दिखाएंगे आज पूरा नेहरू पार्क और घुमाएंगे आपको नेहरू पार्क में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये है नेहरू पार्क का गेट। तो गाइस हम आ चुके हैं अंदर, देख सकते हैं कितना हरियाली है इधर। और टिकट कट चुका है मेरा और हम लोग आ गए हैं अंदर। अभी दिखाते हैं क्या है अंदर। हम तो पहली बार आए हैं इसमें, अभी चलते हैं अंदर। आप लोग देख सकते हैं हम आए हैं नेहरू पार्क। देख सकते हैं साफ़ सफाई इसकी बहुत ही अच्छी है नेहरू पार्क की। और हम लोग इसी में हैं अभी नेहरू पार्क में। 3 बज चुका है और धूप भी बहुत तगड़ा हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छे हरियाली है और व्यू भी मस्त आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं पेड़ है, इसकी भी कटैया छटैया बहुत अच्छी तरीके से हुई है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। एक पुल टाइप का बना हुआ है, हम लोग इसके ऊपर जाते हैं। अभी दिखाते हैं यहाँ से नज़ारा। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग ऊपर आ गए हैं। एक तरफ से इसको बोल सकते हैं पुल की तरह बनाया गया है और नीचे पानी है और ये रात में चलता है। यहाँ पर रंग बिरंगे पानी के फुहारे निकलते हैं, झरने निकलते हैं। वहाँ देख सकते हैं नेहरू जी हैं। अभी उनके पास में ले चलेंगे आपको और दिखाएंगे उनकी मूर्ति। और वहाँ पे देख सकते हैं कुछ लड़कियाँ रील बना रही हैं। अभी वहाँ पे भी लेके चलेंगे और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। पेड़ है, जितने भी पेड़ हैं सब हरे भरे हैं, देख सकते हैं आप लोग। धीरेंद्र भाई बहुत ही बेहतरीन। और इस पानी गंदा हो चुका है, पानी सूख भी चुका है, लेकिन रात में फुहारा निकलता है पानी का और अच्छा भी लगता है यहाँ पे। तो चलते हैं दूसरे छोर पे, अभी आपको दिखाएंगे। अब हम चलते हैं आगे और दिखाएंगे आपको दूसरी तरफ। वहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है जो कि ये नीचे जाएगा पानी की तरफ। तो हम चलते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बैठने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर ज़्यादा कपल लोग आते हैं घूमने के लिए, देख सकते हैं। यहाँ पूरा बहुत जगह है यहाँ पे बैठने के लिए, लेकिन अभी कुछ चालू नहीं हुआ है। लेकिन अगर जो पार्क बन जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा, गोरखपुर का पार्क। यहाँ पर देख सकते हैं पुल बनाया गया है पानी अंडर पास के लिए। अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पर, देख सकते हैं वहाँ पर खेलने और कूदने की व्यवस्था है। तो वहीं पर चलते हैं। तो देख सकते हैं वहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ है, डॉगी है। और यह पुल जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन पानी नहीं है। सब कुछ की व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन पानी रहता तो बहुत ही अच्छा दिखता ही। नेहरू पार्क का पुल, यह है पुल। तो यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं बच्चों को खेलने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। अभी हम भी जाएंगे इस पर, बड़े भी जा सकते हैं। अभी हम लोग भी जाएंगे इस पर, मौज मस्ती करेंगे, आपको दिखाएंगे। इस वाले पे मैं पहले जाऊंगा। तो मैं जा रहा हूं ऊपर और मैं ऊपर आ चुका हूं। अभी मैं रेड वाले पर से नीचे आऊंगा, देख सकते हैं आप लोग। रेड वाले पर से नीचे आऊंगा तो काफ़ी मौज मस्ती है, अच्छा लग रहा है हमको भी। तो गाइस देख सकते हैं यहां पे बैठने की व्यवस्था है और बढ़िया से जाल बुना गया है इसका। और पेड़ का छांव भी है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। धूप भी बहुत तगड़ा है, देख सकते हैं आप। अनुमान लगा सकते हैं मौसम के हिसाब से। बादल देख सकते हैं पूरी तरीके से नीला है। तो गाइस इसका रोड देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा है, रोड अच्छा है। बाकी इसमें पानी नहीं है इस पार्क में, नेहरू पार्क में, लेकिन घूमने लायक है, अच्छी जगह है। लोग देख सकते हैं कितने हरे भरे पेड़ हैं और नेचुरल ब्यूटी एकदम। हम लोग आए हैं नेहरू पार्क में घूमने के लिए, बस इंजॉय करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं ये रात में चलता है इसका फवारा, क्योंकि इसमें पानी है और ये रात में पूरी तरीके से चलता है और रंग बिरंगे पानी निकलते हैं इसमें से। लाइट लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं आगे की तरफ, दिखाते हैं आपको आज पूरा नेहरू पार्क घुमाएंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। देखते हैं इसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर पहले वॉलीबॉल होता था और यहाँ पर हम लोग कराटा भी सीखते थे पहले लाल डिग्गी पार्क में। ये बहुत ही फेमस पार्क है गोरखपुर का और यहाँ पे हम लोग कराटे भी पहले सीखते थे। अब पूरी तरीके से खाली हो गया है। यहाँ पे वॉलीबॉल होता है शाम को और
हम लोग सुबह में कराटे पहले सीखते थे यहाँ पे। तो गाइस देख सकते हैं अभी वहाँ पे साफ सफाई चल रहा है पूरी तरीके से अभी, लेकिन इसका साफ सफाई बहुत ही बढ़िया है नेहरू पार्क का। यहाँ पे साफ सफाई ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हरियाली भी है, बस पानी की कमी है, यहाँ पे पानी नहीं है वाटरफॉल में। तो गाइस हम आ चुके हैं तीसरे ताबूत पे, अभी हम लोग चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको यहाँ से क्या क्या दिखता है। तो हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी बैठने की व्यवस्था, एक लड़का बैठा हुआ है यहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ पे पानी का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है यहाँ से भी। और पहले हम लोग वहाँ पे खड़े थे, उसके बाद हम लोग आए वहाँ पे, और इसके बाद तीसरे पे आ गए हैं, उसके बाद जाएंगे चौथे पे, उसके बाद नेहरू जी की जहाँ पे प्रतिमा है वहाँ पे जाएंगे। तो चलते हैं वहाँ पे। तो देख सकते हैं उधर साफ सफाई चल रहा है, और हम लोग आ गए हैं अंदर, ये भी बंद पड़ा है, यहाँ पे टिकट काउंटर है लेकिन अभी ये चालू नहीं हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों की घूमने की बढ़िया व्यवस्था है लेकिन चालू नहीं हुआ है। और ये देख सकते हैं फूलों का बागवान, और वो है कुआं जो कि बंद है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन है, लेकिन सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, साफ सफाई इसका बस चल रहा है अभी। तो गाइस हम आ चुके हैं अब चौथे वाले पुल पे, देख सकते हैं नीचे पिलर से बना हुआ है, इधर भी पानी पूरा सूखा हुआ है, और देख सकते हैं आप लोग कितना तगड़ा धूप है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नेहरू जी के पास। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं फाउंडेशन है बना हुआ है, एक तरफ से इसको बोल सकते हैं किला, और यहाँ पर देख सकते हैं पानी का फुहारा लगने वाला है, लेकिन पानी का फुहारा है नहीं, आपको हम बार बार बताए हैं कि मतलब इसमें पानी नहीं है नेहरू पार्क में, नहीं तो ये एक नंबर का पार्क बनता। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया इसको, देख सकते हैं डिजाइन भी इसका बहुत ही अच्छा है, और यह पुल और ये है, तो देख सकते हैं गाइस हम लोग आ गए हैं पुल पे, यह पुल और यह है सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं। और इधर देख सकते हैं कितना बड़ा पार्क है नेहरू पार्क। अभी हम लोग इधर से चलेंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नेहरू पार्क के लास्ट गेट पे, देख सकते हैं वहाँ पे लास्ट गेट है, और बगल में है मेरे राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक जो कि दिख रहा है बहुत ही बड़ा है, देख सकते हैं आप लोग ये राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक है जो कि बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे कुछ हम आए हैं, धीरेन्द्र भाई आया है, और हम इसी के साथ आए हैं लाल डिग्गी पार्क घूमने के लिए, नेहरू पार्क। पार्क में ये पार्क बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये अभी काफ़ी दिन से बंद पड़ा था, तो अभी खुला है फिलहाल ही, अभी इसकी मरम्मत भी चल रही है, देख सकते हैं बहुत ही सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ये देख सकते हैं बच्चा भी है अभी एंजॉय कर रहा है। हम लोग तो गाइस हमको नेहरू पार्क घूम के काफ़ी अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि ये नेहरू पार्क जल्दी से जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इसका कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ी से कार्य इसका चल रहा है, और ये जब बन जाएगा तो गोरखपुर का नंबर वन पार्क हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पार्क है। अभी हम आपको और दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं सीढ़ी है, लेकिन अभी उधर काम चल रहा है, ये भी साफ़ सफाई हो जाएगा इसका भी, और पानी भी भरा जाएगा। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे नेहरू जी की मूर्ति लगी हुई है, तो चलते हैं वहीं पे। देख सकते हैं पेड़ पे चढ़ने वाली है एक गिलहरी है, नाम लिखा गया है, सब पेड़ों पे कुछ ना कुछ लिखा गया है। और हम लोग आ चुके हैं वहाँ पे नेहरू जी के स्मारक पे, और नेहरू पार्क को जाना जाता है, वहाँ पर हम आ चुके हैं मेन जगह पर, देख सकते हैं यहीं है नेहरू जी, जिनकी वजह से जाना जाता है इस पार्क को, नेहरू जी के नाम से है पार्क। और हम लोग आ चुके हैं इनके स्मृति पे, देख सकते हैं पंछी हाथ में लिए खड़े हैं, इनका पुतला बनाया गया है नेहरू जी का, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनका स्मारक बनाने वाले श्री वीर बहादुर जी हैं जो कि इनका स्मारक बनवाए थे यहाँ पे। तो गाइस हम हैं नेहरू पार्क में, और यहाँ पे है नेहरू मूर्ति है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग ऊपर, और हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए नेहरू पार्क में। तो अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क है, यहाँ पे घूम सकते हैं आप लोग भी, आइए घूमने के लिए कभी, क्योंकि हर एक जगह को साफ किया जा रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है पार्क अभी। तो गाइस हम लोग नेहरू पार्क घूम चुके हैं, और अब हम लोग चलते हैं घर, देख सकते हैं मेन गेट है, अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ।
तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम, जय श्री राधे।